हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम मेहंदी आज हम सब लोग बालों में हिना यूज़ करते हैं। हिना हमारे बालों में कुछ शाइन ऐड करता है, और जो हमारे एक दो बाल जो ग्रे हो जाते हैं उनको हाइड करता है, बिकॉज हमारे बालों को हार्मफुल भी नहीं होती है, और हमारे एक दो जो बाल ग्रे हो जाते हैं क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको देख करके तो आजकल हर किसी का बाल ग्रे हो रहा है। जो मेरी सिस्टर्स हैं आप लोग, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, उन सबके बाल एक दो तो ग्रे होते ही हैं, और हमें उसको अच्छा भी नहीं लगता, हाइड भी करना होता है। और अगर हम हिना यूज़ करेंगे तो बाल में एक एक्स्ट्रा शाइन भी ऐड होती है। सो और थोड़ा सा ब्राउन सा जो ब्राउनिश सा जो उसमें कलर आता है मुझे बहुत प्रिटी लगता है। सो आज मैं बताऊंगी इसको कैसे अप्लाई करें और मेहंदी में क्या क्या चीज़ें मिलाएं। फर्स्ट हमको लोई की कढ़ाई चाहिए, बिकॉज लोई में बहुत सारा आयरन होता है, जिसमें मेहंदी हम भिगाते हैं इससे ब्लैक सा कलर नेचुरल कलर छूटता है, जो हमारे बालों पर लगता है, तो हमारे जो कुछ अनमेच्योर ग्रे हेयर हो गए हैं उसको वो वापस से ब्लैक करने में हेल्प करता है। और हमें चाहिए हिना का पैकेट। पर्सनली मुझे ये नुपुर का जो हिना का है मुझे बहुत पसंद है, सो मैं यही यूज़ करूँगी। हाँ, और हमें चाहिए कर्ड, एक बाउल मैंने कर्ड लिया है, बिकॉज कर्ड हमारे बालों को नरिश करता है, जो हमारे ड्राई और डैमेज फिजी हेयर्स होते हैं तो वो नरिश करता है। और थोड़ा सा मैंने एक ग्लास लिया है, मैंने दो कप पानी में मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को थोड़ा देर बॉयल किया, बिकॉज कॉफ़ी पाउडर से हमारा जो हल्का सा ब्राउनिश टेक्सचर चाहिए बालों में वो हमको मिल जाएगा। थर्ड इंग्रीडियंट से हमारा हमने हनी लिया है, बिकॉज हनी हमारे जो एक्सट्रीम ड्राई बाल हो जाते हैं किसी भी से बहुत ज़्यादा उसको नरिश करेगा। और हमारा फिफ्थ इंग्रीडियंट है हमारा लेमन, बिकॉज लेमन में बहुत सारा जो हमारे स्किन में डैंड्रफ वगैरह हो जा रहा है और थोड़ा सा जो स्कैल्प बहुत इची हो जाती है तो उसको ये डैंड्रफ को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, और स्किन स्कैल्प को भी सफाई अच्छे से करेगा। सो फर्स्टली हम हिना को पूरा कट कर लेंगे नुपुर का, और मैं एक पूरा पैकेट यूज़ करूँगी बिकॉज मेरे हेयर लॉन्ग है, तो अगर आपके हेयर शॉर्ट है तो आप हाफ पैकेट यूज़ करें। सो इसमें ये कॉफ़ी का जो पानी हमने बनाया है हम उसको मिलाएंगे। वह इसमें कर्ड मिलाएंगे जो हमने दही लिया है उसको हम फेट के ले लेंगे, दही को फेट लेंगे बिकॉज की जो उसमें जो क्लम्स ना रह जाए, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, हर चीज़ें अच्छे से मिल जाए इसमें। कॉफ़ी पाउडर जो कॉफ़ी का जो बॉटल है वो हम इसको और मिलाएंगे, क्योंकि हमें जो वो ब्राउन सा कलर चाहिए वो हमें इसी से मिलेगा। और ये पूरा ग्लास बॉटल हो जाएगा इसमें। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, और इसमें 2 स्पून हनी यूज़ करेंगे, हनी से जो नरिश। इसको मिला के अच्छे से 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि जो कढ़ाई का जो आयरन है उसको सब मिल जाए। इसे कल मॉर्निंग में यूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपना लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी अपने बालों पे। वेलकम बैक। अगर आप मेहंदी भिगाएं उसके बाद आप कुछ बातों का ध्यान रखें। मेहंदी भिगाने के बाद आप उसको 8 से 10 घंटे के लिए ओवरनाइट छोड़ दें, इससे आपकी जो कढ़ाई का जो ब्लैक कलर है उसमें मेहंदी में नेचुरल आयरन ऐड हो जाएगा, जिससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा, बालों को नेचुरली आयरन उसमें मिलेगा, और आपके बालों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप जैसे मेहंदी कर रहे हैं बालों में तो आप मेहंदी को हार्डली 2 घंटे तक बालों में रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, कि मेहंदी जो होती है वो हमारे बालों का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर होता है वो सोख लेती है, तो हमारे बाल ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो
का बहुत देर ना रखें। और जिस दिन आप मेहंदी कर रहे हैं, आपने बालों को सिंपली वाटर से वॉश कर लें मेहंदी लगाने के बाद 2 घंटे के बाद। और नेक्स्ट आप शैम्पू करें शाम को, इवनिंग में आप अपने बालों को ऑयलिंग कर लें अच्छे से कलर पाने के लिए। और नेक्स्ट आप शैम्पू कर लें, और शैम्पू करने के वक्त आप अच्छे से कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दही बालों में यूज़ करें। उसके बाद आप बालों को वॉश कर लें शैम्पू से, वॉश कर लें, फिर आप देख पाएंगे आपको उसमें कितना प्यारा सा कलर दिखाई पड़ेगा और बालों में एक सा शाइन भी ऐड हो जाएगी। तो आप इन कुछ बातों का ध्यान रखें अपने बालों में नेचुरल बर्गंडी कलर पाने के लिए। और अगर आपको मेरी रेमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टिप्स के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।